नमस्कार, आप देख रहे हैं इन समाचार और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना महामारी का फाइनल ईयर एग्जामिनेशन पर क्या असर पड़ा उसके बारे में। कोरोना महामारी के चलते देश में 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और पूरे देश में काम बंद हो गया था, कंपनीज बंद हो गई थी, उत्पादन भी रुक गया था, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे और सभी व्यापार ठप हो गए थे। आगे चलकर ये लॉकडाउन धीरे धीरे करके बढ़ता गया। इसके चलते जहां व्यापार ठप था वहीं स्टूडेंट के परीक्षाओं को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। कई स्कूल्स ने फाइनल एग्जाम कैंसिल कर बच्चों को एवरेज मार्क्स देकर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। पर कॉलेज छात्रों का मामला थोड़ा अलग था। यहां बात सिर्फ परीक्षा में पास होने की नहीं बल्कि उन मार्क्स के बल पर उनके आगे पढ़ने का मार्ग तय होना है। और गड़बड़ तब हुई जब दूसरी बार लॉकडाउन के बढ़ने पर कई स्टेट्स ने ये घोषणा कर दी कि वो फाइनल ईयर एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं और छात्रों को उनके साल भर की अटेंडेंस और सबमिशन तथा मिड ईयर एग्जाम के एवरेज मार्क्स देखकर पास कर दिया जाएगा। इस फैसले से काफी लोग नाखुश हैं और उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए फैसले का खंडन भी किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि देश में यूनिवर्सिटीज और शिक्षा से जुड़ी सुप्रीम बॉडी है, इसने भी इस फैसले को असंवैधानिक बताया और उसको मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कई एजुकेशनलिस्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और शिक्षक थे जिन्होंने परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर गलत बताया। आखिर में दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद ये फैसला लिया कि फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने का फैसला गलत था और सभी राज्यों को यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक फाइनल ईयर एग्जाम लेने को कहा। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राजनेता ऐसे फैसले जल्दबाजी में बिना सोचे समझे क्यों ले लेते हैं। पर्याप्त एजेंसी जैसे यूजीसी, एचआरडी, मिनिस्ट्री से बात करके ऐसे महत्वपूर्ण फैसले क्यों नहीं लिए जाते, जहां एक तरफ जूनियर, केजी और पहली कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया जाता है, वहीं फाइनल ईयर एग्जाम ऑनलाइन लेने के लिए पहल नहीं की जाती। एक तरफ स्कूलों को बच्चों के पेरेंट्स से जबरदस्ती फीस वसूलने पर रोक नहीं लगती, वहीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं देश की बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेस, जो कि फिलहाल बंद पड़े हैं, उन्हें टेम्परेरी एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट करके फाइनल ईयर एग्जाम ऑनलाइन लेने की पर्याप्त स्ट्रेटजी किसी भी राज्य ने या केंद्र सरकार ने क्यों नहीं सोची। जब इंडिया दुनिया का आईटी बैक ऑफिस माना जाता है तो ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स का आयोजन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये उतनी आसान नहीं है पर ये नामुमकिन भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हाल ही में जो एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके तहत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता हमारे देश में तैयार की जाए और शिक्षा के बढ़ते व्यापार पर रोक लगाया जाए। तभी सही मायने में ये कहना सही होगा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।